हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंक नोट प्रेस मिल इंडिया लिमिटेड की तरफ से नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाले हैं क्या योग्यता चाहिए, किसे कब तक आप फॉर्म को भर पाओगे, ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को प्रेस कर ले, ताकि घर बैठे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको भर्ती से रिलेटेड स्वतः मिलते रहें, आप मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। यहाँ पे देखो, बात करें अगर पदों की तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट नॉन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वेरियस पोस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5/6/2024 से लेकर 30 जून तक दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी आप फॉर्म को भर सकते हो। अब देखिए इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म पेमेंट करने की, वही सेम डेट है आपकी 30 जून। ये तो हो गया दोस्तों आपका भर्ती के बारे में। और अगर आपको फॉर्म भरना तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे और आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा और फॉर्म यहाँ से आप भर पाओगे। तो इस जो वेबसाइट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सबसे पहले जो आपको ज़रूरी है कि इसमें योग्यता क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, कितने पद हैं, चलिए फुल नोटिफिकेशन मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैंक नोट पेपर मिल इंडिया लिमिटेड की तरफ से दोस्तों आपको भर्ती का नोटिफिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1/2024 डेट यहाँ आप देख पा रहे हैं 30/5/2024 को ये पब्लिश किया गया है। नीचे आएंगे यहाँ पे बात करेंगे सीधा पदों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से आप देख पा रहे हैं मैकेनिकल का 10 पद है, इलेक्ट्रिकल का 4 पद है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 5 पद है, केमिकल का 6 पद है, पल्प एंड पेपर का 6 पद है, सिविल का 2 पद है, केमिस्ट्री का 2 पद है, अकाउंट असिस्टेंट का 2 पद है, ऑफिस असिस्टेंट का 2 पद है। टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे हो 39 ये आपके पद हो गए। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ बात करेंगे, आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख पाएंगे SC ST OBC EWS के कितने कितने पद दोस्तों इसमें शामिल है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे। नीचे की तरफ आना है, जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ है उस पर हम बात करें। देखिए 30 तारीख तक इसका फॉर्म आप भर पाओगे, जैसा कि मैं बताऊँ 30 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, किस पद के लिए क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट टेक्निकल मैकेनिकल डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 वैकेंसी, 18 से 28 साल के बीच में एज होनी चाहिए। अगर हम दोस्तों योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे 10th, यानी कि दोस्तों आपका हाई स्कूल एंड यहाँ पे देखिए 2 ईयर ITI डिप्लोमा, NCVT SCVT कोई भी हो, फिटर है, मैकेनिस्ट है, टर्नर है, मैकेनिस्ट मैकेनिक है, टूल मेंटेनेंस है, टूल डाई मेकर इनमें से है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पे मांगा गया है, कहीं पे भी हो। अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है तो 1 साल के साथ में एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ आएंगे, और में भी यहाँ पे दिया हो, डिप्लोमा वाले भी जो पॉलिटेक्निक्स हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया, नीचे की तरफ आना है। दूसरे अगर वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल से 4 पद हैं, 18 से 28 साल के बीच में एज है। यहाँ पे देखिए आपका हाई स्कूल होना चाहिए दोस्तों, उसके अलावा आपका ITI होना चाहिए। ठीक है, NCVT SCVT इलेक्ट्रीशियन से 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल इनको भी एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और नीचे आना, यहाँ पे आप देख पा रहे अगले पद के बारे में, तो देखिए प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 पद है, 18 से 28 साल के बीच में एज है। सेम आपकी दोस्तों यहाँ पे योग्यता इस पर मांगी गई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10th, और यहाँ पे आप देख पा रहे योग्यता दोस्तों 10th प्लस आपका NCVT या SCVT से आपका इलेक्ट्रॉनिक से होना चाहिए। यहाँ पे सारे ट्रेड दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, प्लस इधर आपका जो डिप्लोमा वाले हैं पॉलिटेक्निक वाले उनके लिए भी दिया गया है। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे इनको नहीं चाहिए। नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आप देख पा रहे केमिकल जो है डिपार्टमेंट से 6 पद है, 18 से 28 साल के बीच में एज होनी चाहिए। सेम वही ITI आपको होना चाहिए, SCVT केमिकल प्लांट लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल 2 साल का इस पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। 2 साल का पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी इस पर एक्सपीरियंस लगने वाला है। नीचे आना, यहाँ पे आप देख पा रहे पल्प एंड पेपर के लिए सेम 6 पद है, 18 से 28 साल एज है, पॉलिटेक्निक वाले इस पर अप्लाई करेंगे, एक्सपीरियंस नॉट एसेंटियल, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं लगेगा। नीचे आना है, अगला पद देख पा रहे हैं आप प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट टेक्निकल सिविल, 2 पद है, 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। सिविल से आपका ITI या तो पॉलिटेक्निक 2 साल का एक्सपीरियंस है तो
आप अप्लाई कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे देखिए दो पद है, बीएससी आपका केमिस्ट्री से होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, 18 से 28 साल के बीच में एज है। अकाउंट असिस्टेंट का दो पद है, 18 से 28 साल के बीच में एज है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बीकॉम आपका 60% के साथ होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर टेक्निकल ऑफिस असिस्टेंट का दो पद है, एज सेम है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गए दोस्तों योग्यता की बात, एज मैंने आपको बता दी है। छूट यहाँ पे एससी एसटी को 5 साल, बाकी जो है ओबीसी को 3 साल दोस्तों यहाँ पे मिलने वाली है। और नीचे बात करेंगे तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं आपको फटाफट नीचे की तरफ दिखा देता हूँ। इस पे दोस्तों आपका फॉर्म भरने के लिए भी फीस लगने वाली, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 200, बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फीस लगने वाली है। पे यहाँ पे देखिए अमाउंट दिया हुआ है, पे सैलरी किस हिसाब से मिलेगी तो देखिए पे लेवल 2 24,500 से दोस्तों आपकी सैलरी स्टार्ट होने वाली है। नीचे आएंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन फॉर द एबव मेंशन पोस्ट विल बी डन थ्रू ऑनलाइन, ठीक है, टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप एंड ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट, ये आपका दोस्तों होने वाला है और इसी के बेस से आपका सिलेक्शन होगा, एग्जाम होगा। नीचे यहाँ पे दिया गया है किस तरह से एग्जाम होने वाला है, ये पूरा आपका दिया गया है। लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, जनरल एरवेंस के 20 क्वेश्चन पार्ट वन, पार्ट टू में देखिए प्रोफेशनल टेक्निकल जो नॉलेज है 100 नंबर, 40 नंबर, टोटल 100 नंबर का होने वाला है। ओनली यहाँ पे देखिए मीडियम आप एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा, 80 मिनट, 40 मिनट, 120 मिनट का टाइम आपका दोस्तों दिया जाएगा। सभी के लिए पूरा यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ, किस तरह से क्वेश्चन वगैरह आने वाले हैं, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। पासिंग के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के 45%, ओबीसी 40%, एससी एसटी को 35% लंबा नाना जो है कंपलसरी है। तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो एलिजिबल है, जो इस पर ट्राई करना चाह रहे हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी नहीं समझ में आया है, आपको जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना है तो दोस्तों हमारे जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हो। अगर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, आप कमेंट करोगे तो फॉर्म भी भर के हम आपको दिखा देंगे, लेकिन वो जो वीडियो है फॉर्म का वो हमारे नए चैनल पर आएगा। नए चैनल का नाम है दोस्तों फॉर्म, ठीक है, सही भरें। इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ऑल इंडिया सभी प्रकार के फॉर्म भर के दोस्तों यहाँ पे बताए जाते हैं, हमारा नया सेकेंड चैनल है तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।